वहीं मिशन 2022 विजय के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री जून और जुलाई महीने के दौरान गांव-गांव में जाकर सेवा कार्य करेंगे और वहीं रहकर जनता के बीच सरकार और संगठन की यहां पर थाप भी लेंगे। सभी मंत्री कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से किए गए सफल प्रबंधन की जानकारी भी जनता को देंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को जून जुलाई तक अपने प्रभार वाले जिले के हर ब्लॉक में प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री और संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से सरकार के कोरोना प्रबंधन की उपलब्धि को जनता के बीच जाकर बताएं। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जिले के ब्लॉक में प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करें, प्रवास के दौरान किसी योजना का शुभारंभ करने, सहायता राशि वितरण के साथ बैठक को लेकर स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया जाए कि किस तरीके से क्या कुछ लोगों का फीडबैक है, सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो मदद दी जा रही है, उस पर आम जनता का क्या रुख है। तो बीजेपी का मिशन 2022 के लिए गांव-गांव जाएगी सरकार और सरकार के मंत्री गांव-गांव जाकर सेवा कार्य करेंगे। आपको बता दें कि जून और जुलाई महीने में मंत्री करेंगे सेवा कार्य। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं। बीजेपी का क्या है फॉर्मूला, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से तैयारी बीजेपी की। प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही हर ब्लॉक में प्रवास करने की जिम्मेदारी दी गई है और जनता तक प्रदेश सरकार के कार्य पहुंचाए जाए, जनता के बीच सरकार और संगठन के कार्यों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ प्रभारी मंत्री कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो ऐसे में अब जमीन पर उतरेंगे तमाम नेता और जनता तक पहुंचाएंगे प्रदेश सरकार के कार्य और जानेंगे कि जो सुविधा और जो कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं जनता के लिए, उस पर जनता का क्या रुख है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।